हेलो एवरीवन, कसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप थर्मोडायनेमिक्स में हीट के कैलकुलेशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को एक मिनट के अंदर में और बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हीट का कैलकुलेशन आपको दो केस में करना है। एक आइडियल गैस के केस में जो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, और एक केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में निकलना होगा। केमिकल रिएक्शन आपको दिख जाएंगे और फेज चेंज भी आपको दिख जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में एटसेट्रा, राइट। तो दोनों ही केस बिल्कुल अलग है, इसमें कन्फ्यूजन का कोई सीन ही नहीं है। तो अगर आइडियल गैस है तो उस केस में हीट 99% हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालेंगे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है आइडियल गैस में तो क्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अगर आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो तो वर्क जीरो, तो वर्क यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दोगे तो क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। इसलिए हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो वी सबस्क्रिप्ट में है उसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और इज इक्वल टू एन मोल्स हो गया सी वी जो आपको गिवन होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका राइट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हीट एक स्टेट फंक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि हीट डेल्टा यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में ही ओनली हीट एक स्टेट फंक्शन है, अदरवाइज हीट एक पाथ फंक्शन है, राइट। आइसोथर्मल होगा तो क्या होगा, तो वेरी सिंपल, राइट। आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होगा क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा यू जीरो पुट कर दोगे तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के। और इसके बारे में कैलकुलेशन आपको बता दिया, डैट मीन्स क्यू और वर्क का न्यूमरिकल वैल्यू सेम होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, राइट। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होंगे, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इनथैल्पी के बराबर हो जाएगा, और इनथैल्पी कैसे निकलते हैं, मोल्स एन सी पी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, राइट। साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इट इज ए स्टेट फंक्शन, तो इसलिए क्यू अगेन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के। तो आइडियल गैस में आपको ऐसे निकालना है। एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है, आइडियल गैस के केस में सी पी माइनस सी वी हीट कैपेसिटी का डिफरेंस एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सी पी बाई सी वी क्या होता है, गामा के बराबर होता है, राइट। गामा क्या होता है, वन प्लस टू बाई एफ, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम, जितनी भी नोबल गैस है जो सिंगल फॉर्म मिलते हैं एच ई, ऐसा ओ टू इज नॉट ए मोनोएटॉमिक, क्योंकि ओ टू में दो ऑक्सीजन हो गया, तो जो मोनोएटॉमिक ओनली वन एटम होंगे तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितना लोगे आप, थ्री लोगे। तो यहाँ पे एफ थ्री पुट कर दोगे तो गामा आ जाएगा, राइट। सी पी गिवन होगा तो सी वी निकालना होगा, और सी वी गिवन होगा तो सी पी। इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं ईजी वे में। सिमिलरली अगर डायटोमिक है लाइक ओ टू एन टू ये सब, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना लेंगे, फाइव लेंगे, तीन। एंड अगर पॉली एटॉमिक होगा और नॉन लीनियर होगा लाइक एसओ टू, तो फिर आप एफ कितना लेंगे, सिक्स लेंगे। और अगर मान लो कि पॉली एटॉमिक है लाइक सी ओ टू बट लीनियर है, राइट, एक ही लाइन पे, तो फिर एफ कितना लेंगे, फाइव लेंगे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नाउ हमने यहाँ पे साइन कुछ कंसिडर नहीं किया, उसके पीछे रीजन क्या, क्योंकि साइन हम खुद असाइन करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव रखना है या निगेटिव। साइन के केस में वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल ट्रिक से। सिस्टम में कोई चीज़ आ रहा है इन, तो इन हो रहा मतलब गेन हो रहा है, गेन हो रहा मतलब पॉजिटिव है, और ऐसी रिएक्शन को इंडोथर्मिक बोलेंगे, राइट। सिस्टम से कोई चीज़ बाहर जा रहा है डैट मीन्स लॉस हो रहा है, तो निगेटिव, और ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक। तो हीट का साइन कब पॉजिटिव लेना है, हीट इन इन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, हीट आउट ऑफ द सिस्टम निगेटिव होगा। तो साइन का टेंशन खत्म हो गया। केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज में वी नो कि ये कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट डेल्टा एच इनथैल्पी के बराबर ही हो जाता है, जिसके बारे में हम पूरा कैलकुलेशन आपको आगे की वीडियो लेक्चर में बताएंगे भी। तो यहाँ पे हमें कैसे निकालना होगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ ले तो डैट इज डेल्टा एच, और डेल्टा एच रिएक्शन के केस में क्या हो जाता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये इनथैल्पी हो गया, ये इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, ये आपको वर्क में भी बताया था, स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी गैसियस पार्ट हैं उन सब का समेशन कर लो, माइनस स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट में जितने भी गैसियस पार्ट हैं उनको ऐड कर लो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर मुझे डेल्टा एन जी निकालना हो, तो देखो प्रोडक्ट में गैस ये है, ये तो लिक्विड है, तो इसका कुछ नहीं लेना है, तो ये थ्री हो गया, माइनस
इधर सॉलिड है इसका कुछ नहीं लेना, इधर ये गैस है तो इसका 2, तो डेट इज 1। मतलब प्रोडक्ट में जितने भी होंगे सबको ऐड कर लो, माइनस रिएक्टेंट में जितने होंगे उसको कर दो, तो डेल्टा एन जी आएगा। तो यहाँ डेल्टा एन जी पुट कर दोगे, आर एक फिक्स वैल्यू है राइट 8.314, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में, तो डेल्टा एच गिवेन होगा तो डेल्टा यू निकालना होगा, या फिर डेल्टा यू गिवेन होगा तो डेल्टा एच निकालना होगा। डेल्टा एच ही आपका क्या है, हीट है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो ये ध्यान रखना है। अगर हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है तो वो डेल्टा यू के बराबर है, जो आप यहाँ से देख सकते हो। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम आपके पास फॉर्मूला है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर भी हो जाएगा, तो वही डेल्टा एच होंगे। वैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट डेल्टा एच पॉजिटिव राइट, और हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बोले तो डेल्टा एच। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा हीट निकालो, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच निकालना, एक्चुअली दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये है आपका फॉर्मूला, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 लीटर आइडियल गैस राइट अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, वर्ड सब पे ध्यान देना, इसलिए मैंने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में मेजर पॉइंट है बेसिक टर्मिनोलॉजी का। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या हो गया, 0 लिख लिया करो आप, इनटू वैक्यूम, वैक्यूम है तो वर्क क्या हो गया, 0। तो हमें क्या निकालना है, हीट, तो यू नो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू आपका 0, वर्क आपका 0, तो क्यू भी क्या हो गया, 0, डैट्स इट। ये इतना जो वैल्यू सब गिवन है वो जस्ट आपको कन्फ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मोल्स है 293 केल्विन पे, अगेन आइसोथर्मल है तो क्या हो गया, डेल्टा यू आपका 0, फ्रॉम इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर आपको गिवन है अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में वर्क कैसे निकलता आपको बता रखा हूँ, पी एक्सटर्नल और वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। यहाँ पे पी एक्सटर्नल आपको गिवन है कितना, 4.3 मेगा पास्कल है, ध्यान रखना। अब वॉल्यूम फाइनल तो गिवन है नहीं सर, तो वही आप क्या करेंगे, पी वी इजकल टू एन आर टी से वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एन आर टी बाई पी से। मोल्स कितना था, 5, आर आपको आर ही रहने दो, टेम्परेचर आपको गिवन है 293 बाई, तो एक बार प्रेशर आपका कितना है, तो 2.1 माइनस फिर से एन आर टी बाई, प्रेशर कितना 1.3। अब ध्यान देना यहाँ पे ये कैलकुलेशन में कि आप जब निकालोगे तो 4.3 एन आर और टी ये सब कॉमन निकल जाएगा, ये 1/2.1 माइनस 1/1.3 ये भी मेगा पास्कल में, ये भी मेगा पास्कल में, तो कैंसिल हो जाएंगे राइट। तो ये अप्रॉक्स जो आएगा आपको वो 15,000 जूल्स के आसपास आएगा। सब ऐसा यूनिट ने पुट किया, हमें कैसे निकालना वो भी ध्यान देना है, अगेन वर्ड पे किलो जूल और पर मोल, किलो जूल में निकालना है तो कितना हो गया ये 15 किलो जूल, तो ये तो कितने का आया है, 5 मोल्स का, हमें एक मोल का बताना है। क्वेश्चन में यही सब पॉइंट पे ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन 1 ही आपका है, इतना कैलकुलेशन करके 1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। किलो जूल पर मोल में पूछा है, तो 15 किलो जूल 5 का है, तो पर मोल एक मोल का कितना हो जाएगा, 15/5 डेट इज 3, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडियल गैस अगेन आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या कर दोगे, 0, कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम 5 मीटर टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो राइट। तो यहाँ पे आपका वर्क आ गया कितना, 4 और 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया 16। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा यूनिट में, वो भी ऐसा यूनिट में, तो जूल्स, ये वर्क हो गया। डेल्टा यू 0 है तो क्यू ही क्या है, माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर है। एनी हाउ नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, हीट कैपेसिटी गिवन है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोल्स इंटू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी राइट। तो ये आपको मालूम है कितना आ गया, 16 मोल्स, कितना 1 मोल का, 1 cm आपको गिवन था, हीट कैपेसिटी कितना 24, और डेल्टा टी वही पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेज बाय कितने से, ये इंक्रीज होगा, तो यहाँ से आप देख लो कितना जाएगा यह डेल्टा टी आपका, ये 8 to the 8 3 the, तो डेल्टा टी कितना हो गया आपका 2/3 केल्विन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, जस्ट वर्ड का ध्यान रखना है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये इस तरह से ग्राफ गिवन है और कुछ वैल्यू गिवन है आपको हीट प्रोसेस सी से ए का बताना है। तो ध्यान से देखो, मुझे क्या मालूम है, हीट ए बी का मालूम है, वर्क ए बी का मालूम है। तो यू नो डेल्टा यू ऑफ ए बी अगर मैं लिखूं तो वो क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी हो जाएगा, राइट। क्यू ए बी आपको गिवन है 2 और प्लस डब्ल्यू ए बी माइनस है, राइट। तो माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस 3। और माइनस होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव, राइट। तो और चूंकि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए शुड बी इक्वल टू 0। साइक्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं, डेल्टा यू ए बी अभी आपने निकाला डेट इज माइनस 3, डेल्टा यू बी सी आपको गिवन है डेट इज माइनस 5 और प्लस डेल्टा यू सी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा यू सी ए कितना हो गया आपको 8। अब अगर सी ए प्रोसेस का आपको मालूम है डेल्टा यू कितना है 8, राइट, प्लस में है साइन के साथ लेना है, डेट इज इक्वल टू क्यू सी ए जो हमें निकालना है प्लस डब्ल्यू सी आपको गिवन है कितना है 3। तो यहाँ से क्यू कितना आ गया प्लस में 5, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना एक माइनस था एक प्लस था, तो ऑप्शन बी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी इजी होते हैं, इससे इजी कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, रिलेशन क्या है बेटा, एक ही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब होगा, जब डेल्टा एन जी 0 होगा। चेक करो किसमें 0 है, इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस ये 3 और 1 4, 2 माइनस 4 तो माइनस 2, तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें ध्यान से देखो 1 और 1 2 माइनस ये 2, तो यहीं 0 हो गया, इसलिए ऑप्शन बी। इस केस में चेक करो तो 2 माइनस 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया माइनस 1। इस केस में 1 और ये 2 है तो 1 माइनस 2 डेट इज माइनस 1। ध्यान देना सब गैस फेज में था, सिर्फ गैस फेज वाला लेना। इसको बहुत तरीके से पूछ सकता है, कहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर होगा डेल्टा यू से, तो ये कब हो सकता है, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ पे डेल्टा एच स्मॉलर होगा डेल्टा यू से, तो ये कब हो सकता है, जब डेल्टा एन जी स्मॉलर होंगे, राइट। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू बताओ, तो डेट इज नथिंग बट एक्चुअली क्या पूछ रहा है आपसे, डेल्टा एन जी आर टी। ये सब देख करके बच्चे डर जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बताओ, या डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बताओ, मतलब डेल्टा एन जी आर टी। आर आपको कॉन्स्टेंट है फिक्स, टेम्परेचर आपको गिवन होगा, डेल्टा एन जी तो एकदम बच्चों वाला चीज़ है, हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, या फिर आपको डेल्टा यू दे देगा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा एच निकालो, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कर देना है। या कभी ऐसा होगा कि ये दोनों गिवन हो तो ये निकालो, इस टाइप से घुमा फिरा करके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ध्यान रखना डेल्टा एन जी में सिर्फ गैस वाला लेंगे। तो आई होप ये सब पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट है कि हीट इज ए पाथ फंक्शन वी ऑलरेडी नो, बट एक केस में हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के बराबर है तो उस केस में स्टेट फंक्शन होगा। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, हीट पूछे तो पाथ फंक्शन, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो स्टेट फंक्शन। दूसरा, इट इज ए पुअर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, अपीयर एट बाउंड्री ओनली, राइट, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट क्रिएट होते हैं, बस ये ध्यान रखना। और इट इज़ ए रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि एंट्रोपी में ये कैलकुलेशन में आता है, तो ये रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्टेटमेंट या थ्योरेटिकल टाइप में ये पॉइंट आपको काम आएंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, डेट इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, हीट कैपेसिटी 3 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी, एक को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा आप यूनिट से पहचान जाओगे, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यूनिट अगर जूल पर केल्विन है तो वो टोटल हीट कैपेसिटी है, क्यों, क्योंकि हीट की यूनिट हमारा क्या है, जूल, बस किसी तरह जूल लाना है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यूज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि सी का यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन, और डेल्टा टी केल्विन, तो केल्विन केल्विन कैंसिल, बस आपको यूनिट से मैच कर करके, तो ये जो हीट कैपेसिटी होगी वो टोटल होगी, इसलिए सी डेल्टा टी। अगर जूल पर मोल पर केल्विन गिवन है तो ऑब्वियस बात है मोल भी हटाना है केल्विन भी, तो इसलिए मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन सी डैश डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा मोल, राइट,
सी डैश आपका जूल पर मोल इंटू कैल्विन और डेल्टा टी कैल्विन। तो देखो कैल्विन कैल्विन मोल मोल कैंसिल, तो हीट का ऐसा यूनिट जूल आ गया। तो बस यूनिट से पहचान लेंगे तो ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक में कैसे दे देगा, जूल पर ग्राम पर यूनिट मास कैल्विन, इसलिए मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा आपको जूल्स बचेगा, राइट। तो ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इसलिए क्यू सी डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं, क्यू एन सी डैश डेल्टा टी, क्यू एम सी डबल डैश डेल्टा टी। बट आपको मालूम है कि ये फार्मूला हम सिर्फ 1% यूज करते हैं, 99% वर्क का कैलकुलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करते हैं। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना, आइसोथर्मल के केस में हीट कैपेसिटी ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और एडियाबेटिक में हीट कैपेसिटी जीरो, क्योंकि क्यू क्या हो गया आपका जीरो। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में हीट का कैलकुलेशन करना है तो इससे बाहर कुछ नहीं बेटा, अब आप सारे प्रॉब्लम कर सकते हो। थैंक यू।